ये गाइस गोदरेज का प्रोडक्ट, अब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक गोदरेज की। अब आप इसको देखेंगे कि 5 स्टार रेटिंग के साथ ये है और ये 8 kg की है। 8 kg, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ ये आती है, 8 kg की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस टाइप की वॉशिंग मशीन है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको इसका एक बार मॉडल नंबर कंफर्म करवा देते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉडल नंबर है WSH805.0TB3M, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो है मोटर है, जो वॉशिंग की मोटर है, वो 460 वॉट की है। और स्पिन की जो मोटर है वो 200 वॉट की स्पिन की मोटर है इसकी। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जुलाई 2022 है। और इसका जो प्राइस MRP जो है 17,580 रुपये इस पर दी गई है। तो ये आपने देखा इसका जो लेबल लगा हुआ है इसके ऊपर, इसकी डिटेल्स जो आपने देखी। अब हम आपको ये ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई है ओपन। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इसको, कितना प्यारा इसका कलर है। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी लवली, काफी प्यारा कलर है इसका। तो इस तरीके से आपने देखा ये 8 kg का है वॉशिंग मशीन, काफी अच्छा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको दिखाई दे रहा है। एक बार हम आपको इसके फीचर्स हैं वो बता देते हैं। एक बार आप एक बार गौर से देख लीजिए, 5 ईयर की इसकी वॉशिंग मशीन की जो वारंटी आती है। उसके बाद ये वाटर इनलेट है जहाँ से पानी के लिए इसमें लगाया जाएगा। इससे आप वॉश के एरिया, इस वाले में ये वॉश का है, वॉश वाले टब में पानी चाहिए या आपको स्पिन वाले में चाहिए। ये स्पिन का है तो इसको इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वॉश टाइमर इसमें आपको मिलता है, वॉश सेलेक्टर इसमें मिलेगा आपको। 3 टाइप के इसमें आपको वॉश सेलेक्टर मिलेंगे, जेंटल, रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपको ये वॉश और ड्रेन वाला बटन आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद ये आपको स्पिन का बटन इसमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप ये स्पिन का टाइमर भी है और ये बजर भी है इसमें। और ये 8 kg की गोदरेज की वॉशिंग मशीन है। इसके बाद हम आपको इसको अंदर से दिखाते हैं ओपन करके। इसमें आप जो देखेंगे काफ़ी अच्छा, इसमें काफ़ी खासा अच्छा स्पेस है, जो 5-6 मेंबर की फैमिली के लिए काफ़ी परफेक्ट ही रहती है। इसके कवर, इसके साथ ये इसमें एक पाइप ड्रेन वाला है और एक इनलेट वाला है, दो इसमें पाइप है। और ये इसमें कवर है जिसको आप स्पिन जब करेंगे तब इसको आप लगाएंगे। तो गाइस ये हो गया, ये आप देख रहे हैं स्पिन वाला टब है ये। इसको आप ओपन करेंगे, इसमें ये निकाला आपने और ये स्पिन वाला टब है गाइस। काफ़ी स्पेस है, काफ़ी स्पेसियस है, तो 5-6 फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट है ये मशीन। आप इसको देख सकते हैं। अब इसका आपको हम पीछे से एक बार दिखा देते हैं। एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा और प्यारा इसका कलर है, काफ़ी अच्छा कलर इसका है। तो ये आपने पीछे से देखा, इस टाइप से बहुत फ्रेश और बहुत प्यारा आइटम ये है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें 2 व्हील भी आते हैं, जिससे कि इसको आप इधर से उधर खिसका सकते हैं। तो इसका हम आपको व्हील दिखाते हैं कि इसमें किस टाइप के व्हील आते हैं। इसमें सिर्फ एक साइड व्हील होते हैं, तो इसमें सिर्फ इधर की साइड इसमें व्हील लगे हुए हैं, इधर की साइड इसमें व्हील नहीं है। तो इधर से आप इसको उठाते हैं और इसको उठाएंगे यहाँ से पकड़ के,
ये जो हैंडल लगा हुआ है इसका, यहाँ से आप इसको पकड़ के उठाएंगे और उठा के तो इधर जो व्हील लगे होते हैं इसके सहारे मशीन को आगे पीछे आप खिसका सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप व्हील आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की पूरे व्हील। देखिए ये व्हील है, इधर ये व्हील है, इस टाइप से इसमें व्हील लगे हुए हैं। बाकी उधर की साइड इसमें व्हील नहीं है, उधर जो आप देख रहे हैं अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये है, ये व्हील नहीं है, ये फिक्स है। तो इस तरीके से इसमें व्हील का स्पेस सिर्फ इधर है, तो इधर आप जब इसको उधर की साइड से आप ऊंचा उठाएंगे तो इधर से व्हील से आप इसको इधर से उधर कर सकते हैं। गाइस काफ़ी प्यारा ये पीस हमें लग रहा है और काफ़ी प्यारा पीस है, हम खुद इसको घर लेके आए हैं तो बहुत अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए कि आप भी लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छी मशीन है। और 1440 RPM इसकी मोटर की वॉशिंग की स्पीड है, वो भी हम आपको एक बार मोटर चला के भी दिखा देते हैं इसका। तो गाइज ये स्विच मोटर में हमने लगा दिया फाइनली, अब शुरू करके हम देखते हैं। ये हमने शुरू किया, तो देखिए चालू हो गया, आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरीके से गाइस काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं करती, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि नॉइज़ भी नहीं करती है बहुत ज़्यादा। दूसरा आप देखेंगे स्पिन का, अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे अगर इसको बंद करता हूँ वॉश वाली को, तो आप अब स्पिन वाला देखेंगे तो स्पिन वाला इसका मोटर चल रहा है लेकिन आवाज़ इसका नहीं आपको आ रहा होगा, तो इतना ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती है ये। अब ये जो नॉइज़ आ रहा है ये स्पिन की का है, तो ज़्यादा खास नॉइज इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी इसका एक तरीके से वर्किंग है इस मशीन की, ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं करती है, जैसा कि आपको मैं आवाज़ सुना के दिखाता हूँ, बस इतना ही आवाज़ इसका बाहर आ रहा है, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा है। तो गाइज ये इसका एक बार पूजन हो रहा है, घर में कोई चीज़ आती है तो पूजन कर लेना चाहिए, शुभ रहता है। बहुत बढ़िया स्वास्तिक का ये निशान, अब इसके बाद शुरू हो जाएगी मशीन का यूज करना। ये वस्त्र ये कलाई डोरा इसके बांध दिया है, हालांकि इसको हटाना पड़ेगा अभी पूजन, पूजन के लिए सिर्फ इसको बांध के रखा जाएगा। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से मशीन है यूज करने के लिए अवेलेबल है। और दूसरा हम सेमी ऑटोमेटिक क्यों लेके आए, इसके पीछे एक रीजन ये है कि फुल ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें काफ़ी पानी है जो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इस वजह से हमने सेमी ऑटोमेटिक लिए, और उसमें कपड़े भी बहुत अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं। ये हमने हमारे दोस्तों से भी रिव्यू लिए थे और सारा देखने के बाद फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि सेमी ऑटोमेटिक ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वही काफ़ी अच्छी है और पानी की किल्लत आपको पता दिल्ली में रहती है, तो पानी वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ऑटोमेटिक के चक्कर में, वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करता है, इसलिए हमने ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली है जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से इसमें कपड़े वगैरह वॉश ढंग से हो जाते हैं, और आप अच्छे से स्पिन भी इसमें कर सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, जिनको आप पानी निचोड़ना बोलेंगे वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें।